बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केक रस्क की रेसिपी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पेन डाउन कीजिए। चीनी एक पाव, 6 अदद अंडे, फ्रिज में रख कर फिर आपने इसको यूज़ करना है। एक मैंने लीमू लिया और इसे मैंने स्क्वीज़ कर लिया। अगर आपके पास लेमन नहीं है, आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी। बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, एक पाव मैदा, एक पाव मक्खन, जस्ट 1 पिंच जर्दा रंग। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब आप मैदे में बेकिंग पाउडर ऐड कर लें। अब इसे आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करके एक साइड पे रख लें आप। अब एक मिक्सिंग बाउल में मक्खन ऐड करें। चीनी ऐड करें। अब इसे बीट करें। चीनी और मक्खन अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें एक एक करके अंडा ऐड करते जाएं और बीट करते जाएं। एक अंडा ऐड करके आपने तकरीबन 40 सेकंड लाजमी इसे बीट करना है। अब एक अंडा मैंने ऐड कर दिया, अब मैं इसमें दूसरा अंडा ऐड करूंगी। एंड मेक श्योर अंडा आपने फ्रिज वाला यूज करना है ताकि मिक्सचर थिक रहे, अदरवाइज मक्खन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। व्यूवर्स, 6 अंडे मैंने ऐड कर दिए हैं, बैटर रेडी है। अब इस स्टेज में आपने ये इंश्योर करना है कि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर चीनी मिक्स नहीं होगी, ये बहुत बड़ी गलती होगी बेकिंग की। अब इसमें लेमन जूस ऐड करें, फूड कलर ऐड करें, थोड़ा थोड़ा सा मैदा ऐड करते जाएं और फिर से आप इसे बीट करें। Thank you.
बैटर रेडी हो चुका है। व्यूअर्स देखें कितना स्मूथ सा बैटर है, बिल्कुल ऐसा ही बैटर आपने रेडी करना है। बेकिंग पैन को आप ग्रीस कर लें और बटर पेपर लगा लें। अब बैटर ऐड करें। अब इसे सेट करें। व्यूअर्स मैंने इसे सेट कर लिया है। अब आप इसे एक दफ़ा ट्रे को उठा के लेवल कर लें। अब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसे बेक करें। व्यूअर्स केक को मैंने ओवन से निकाल लिया है। अब आप इसे ट्रे में इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। तकरीबन 12 घंटे आपने इसे रखना है, इसको कटिंग नहीं करनी। 12 घंटे बाद मैं इसे कट करूँगी। आप फोक की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि केक पक गया है कि नहीं। ये देखें बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स 12 घंटे का मैंने इसे गैप दे दिया है। अब मैं इसे कटिंग स्टार्ट करती हूँ। व्यूअर्स कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। केक रस्क के साइज का ही आपने इसे कट करना है। ये देखें कितने सॉफ्ट आए हैं। मैं आपको इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। इट्स सो सॉफ्ट। व्यूअर्स अब मैं इसे बेकिंग पैन में अरेंज कर देती हूँ। पैन अब आपने ग्रीस नहीं करना। अब मैं इसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45 मिनट के लिए बेक करूंगी। व्यूअर्स मैंने इसे ओवन से निकाल लिया है। अब आप इसे ठंडा होने दें, उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूंगी। फौरन से आपने इसे नहीं निकालना, इसे ठंडा होने दें, उसके बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। व्यूअर्स केक रस्क रेडी हैं। ये देखें कितने खस्ता हैं। आप इसे ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कीप वॉचिंग मम्स किचन सीक्रेट्स। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।